चांद पर हिंदुस्तान के हिस्टोरिकल और ग्रैंड लैंडिंग से जहां एक और पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है, वहीं दुनिया हैरान है कि कई फिल्मों से भी कम बजट में इसरो ने कैसे इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इन सब के बीच एक बात ये भी सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 को चांद पर लंबे समय तक काम करने के लिए कितने फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, और आगे सवाल ये भी कि चंद्रयान 3 में नॉर्मल पेट्रोल डीजल पड़ता है या फिर कोई खास फ्यूल इसमें डाला जाता है। दरअसल किसी भी स्पेस शटल या स्पेस क्राफ्ट को चलाने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत होती है उसे लिक्विड हाइड्रोजन कहते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा लिक्विड है। इसका तापमान -252.8 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रयान 3 में भी इसी फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। नासा जैसी स्पेस एजेंसियां भी जब अपना कोई स्पेस शटल लॉन्च करती है तो इसी फ्यूल का इस्तेमाल करती है। एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के लिए भी खास जेट फ्यूल का इस्तेमाल होता है जिसे एविएशन केरोसिन कहा जाता है, और लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं। ऐसी ही चंद्रयान 3 में भी लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 में अभी तक लगभग 150 किलो से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है जो उसे लंबे समय तक काम करने की स्थिति में रखेगा। लॉन्चिंग के समय करीब 1,696 किलो फ्यूल भरा गया था। आपको किलो में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फ्यूल डाला गया है चंद्रयान 3 में, उसे आप किलो में लिख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 में कौन कौन से फ्यूल का और किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। चंद्रयान 3 को ले जाने वाले 43.5 मीटर ऊंचे और 642 टन वजनी रॉकेट में सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। इस रॉकेट के फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल और सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। अंतिम स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन है, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। चंद्रयान 3 को ले जाने वाले रॉकेट के फ्यूल टैंक की क्षमता 27,000 किलो से ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि रॉकेट में इस्तेमाल फ्यूल कैसे काम करता है। तो आपको बता दें कि चंद्रयान को ले जाने वाले 3 स्तरीय रॉकेट में 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स होते हैं, वहीं 1 लिक्विड फ्यूल कोर स्टेज इसे जबरदस्त पावर देता है। शुरुआती स्तर पर सॉलिड फ्यूल बूस्टर रॉकेट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तकनीकी भाषा में कहें तो ये रॉकेट को थ्रस्ट में मदद करता है। इसके बाद लिक्विड फ्यूल को रॉकेट को कक्षा में पहुंचाने के लिए थ्रस्ट को बनाए रखने का काम करता है। रॉकेट में इस्तेमाल किए गए ईंधन को प्रोपेलेंट कहा जाता है। इसका ज्यादातर अंतरिक्ष अभियानों के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में इस फ्यूल को लेकर रिसर्च चल रहा है, क्या इसका इस्तेमाल गाड़ियों में भी किया जा सकता है। भारत सरकार भी ग्रीन हाइड्रोजन नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अगर उसे इसमें सफलता मिल गई तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया डीजल पेट्रोल और उसके प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।